नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप फ्रेंड। ECS T10 बेलिकोना में फेल्को और पाकिस्तान का मुकाबला है, तो मैं इसकी आपको एक ड्रीम 11 की टीम दूंगा, जिससे ना कि आप एक अच्छा विन करेंगे बल्कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाएंगे और आपको एक अच्छी रैंकिंग भी मिलेगी। आपको क्या करना है ये पूरी वीडियो देखनी है, और इसमें जो मैं सिलेक्शन करूँगा उन्हीं प्लेयर को सेलेक्ट करके आप एक अच्छा कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें टीम के सिलेक्शन की, तो कौन सा प्लेयर बनाना है और कौन सा नहीं। तो आपको जो इसमें प्लेयर लेने हैं उसमें फाल्को की तरफ से 7 और पाकिस्तान की तरफ से 4 लिए मैंने, जिसमें विकेट कीपर में ए अहमद जो कि सबसे अच्छी फॉर्म में है फाल्को की तरफ से, लगभग हर मैच में हिट कराए, तो आप इनके बिना ना जाइएगा, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ए अहमद के साथ जाए। बात करें अगले की, तो 3 बैट्समैन जिसमें ए भट्टा आपके लिए एक अच्छी ओपनिंग्स दे सकते हैं, ए सरावर हैं जिन्होंने अब तक फाल्को की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करा है, फाल्को के बैट्समैन बहुत अच्छी फॉर्म में है। बाकी नीचे की तरफ बात करें तो इमरान हुसैन आपके लिए एक अच्छी चॉइस बनेंगे। इसमें इमरान हुसैन काफ़ी अच्छे बैट्समैन है और आपको एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, थोड़ी सी बॉलिंग भी करना जानते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हैं। ऑलराउंडर में के राजा आपके लिए एक अच्छी चॉइस देंगे, वहीं जे इकबाल, एन हुसैन शाह, ये तीनों ऑलराउंडर आपके लिए स्ट्रॉन्ग हैं, और चौथे हैं सरफराज अहमद जिन्होंने अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया है। इन सब में कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि काफ़ी टॉप के प्लेयर इसमें खेलेंगे, तो आपको बहुत सिलेक्शन संभल के और ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा फोकस करना होगा अगर आपको एक अच्छी रैंकिंग लानी है ड्रीम इलेवन में। और उसमें बात करें तो तामिम इकबाल आपको हमेशा की तरह एक अच्छी फॉर्म देंगे, आप इनको जोड़ लें। आर आदिल ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, इनके साथ भी जा सकते हैं आप। एंड शहजाद भी आपके लिए एक अच्छी फॉर्म ला के दे सकते हैं। इसमें आप आर आद तामिम इकबाल के बाद नहीं जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े बॉलर हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फाल्को की तरफ से, तो मैं आपको इसलिए स्पेशल कह रहा हूँ क्योंकि आपके अगर इन्होंने एक भी विकेट लिया तो आपके पॉइंट काफ़ी लॉस हो सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप इनको जोड़ लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, हमें कौन सा बनाना है। तो इमरान हुसैन, ए अहमद, सरवर भट्ट, एन हुसैन शाह, सरफराज अहमद, इन सब में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे सरफराज अहमद बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस है, ए अहमद भी स्ट्रॉन्ग चॉइस है, और हुसैन आपको बहुत संभल के इसमें ड्रीम इलेवन की टीम बनानी पड़ेगी। तो यही मेरी राय है कि आप इनमें से ही कैप्टन वाइस कैप्टन चुनें। आई होप फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप एक अच्छा करें। बाय बाय।